दोस्तों ये जो अनबॉक्सिंग है थोड़ी अलग होने वाली है। जी हाँ, दुबई में है, अटलांटिस में रह रहे हैं। Yes, this is X80 Pro, co-engineered with Zeiss. उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था दोस्तों कि Zeiss क्या क्या करता है X80 Pro के कैमरा के साथ। इनफैक्ट पिछले एक डेढ़ दिन में कुछ 1000 से ज्यादा फोटोज और वीडियोज निकाले हुए ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लेस। दिखाऊंगा बताऊंगा सब कुछ, लेकिन उसके पहले दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये सब अरेंजमेंट करते हैं अच्छी अनबॉक्सिंग आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। बॉक्स के अंदर देखते हैं, थोड़ा बड़ा बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स। X70 Pro जो है या X70 सीरीज कुछ 7 महीने पहले लॉन्च हुई थी एंड नाउ आफ्टर अबाउट 7-8 मंथ्स X80 Pro आ गया है। राइट अप फ्रंट दोस्तों फोन है। ओ वाओ, उसका जो कैमरा मॉड्यूल है ना बड़ा हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं और क्या है। ऑलराइट, दो बॉक्सेस हैं, देन बम्पर केस आती है विद दैट बिग राइट होल इन द मिडल, कुछ स्टिकर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है एंड सिम कार्ड टूल। अब देखते हैं इस बॉक्स। ओह, दिस इज हैवी। ओके, वीवो का 80 वॉट का फ्लैश चार्जर है। यस, एंड और भी कुछ है। ओह नाइस, वाओ, इतने सारे अनबॉक्सिंग इस साल की है, शायद ही कोई किसी बॉक्स में आपको राइट दिस, ये जो है ईयरफोन्स वो मिलते हैं एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एज वेल, सो वेरी नाइस। वैसे ये USB टाइप सी है, 3.5 mm जैक इसमें नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स कीप दिस असाइड और फोन के पास देखते हैं ये सब चीजें। ओप्स, रखते हैं साइड में। बिग फोन, दिस बिग। वैसे अगर मैं दिखने के बारे में बात करूं दोस्तों, बहुत सिमिलर है, जैसे X70 Pro था वैसे ही कुछ है, बट ये जो कैमरा मॉड्यूल है वो बड़ा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूं, X70 जो है, लुक एट दिस, दिस इज हाउ इट वाज, साइज सेम है बट ये जो है ये पूरा रेज्ड है। अब दोस्तों ये सर्कुलर हाउसिंग आ गया एंड दिस इज एंटायर सेरेमिक बाय द वे, सो लुक्स वेरी प्रीमियम। साइज के मामले में बात करूं तो वेरी वेरी सेम इन साइज, लेकिन ये ज्यादा बीफी लगता है हाथ में, इट फील्स मोर ऐसा भरा हुआ, डेंस। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूं, ब्लैक जो है ना थोड़ा ज्यादा ब्लैक दिख रहा है। वैसे इसमें एक ही कलर आता है विच इज दिस ब्लैक वन। X80 जो है नॉन प्रो वेरिएंट, उसमें दो कलर आते हैं। वैसे उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है दोस्तों, सो वेट फॉर दैट। अब इधर गिरा के देखना है, माई गॉड, ये जो है ये तो दिस इज स्टोन, स्टोन पे गिराएंगे इतना महंगा फोन, I don't know what is going to happen. आगे प्रोटेक्शन आता है, शॉट सेंसेशन एंड पीछे भी ग्लास है, बट लेट्स गिराते हैं इतने हाइट से, आपको देखना पसंद है। नो नथिंग, सेरामिक इज स्ट्रॉन्ग, तो सेरामिक को तो कुछ होना नहीं चाहिए। आगे से देखते हैं, एब्सोल्युटली नथिंग दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ है, दिस लुक्स गुड। बिल्ड क्वालिटी के मामले में आई लव इट दोस्तों। ये जो फोन है ना, दैट इज नोन फॉर कैमरा, कैमरा इज द बिगेस्ट हाईलाइट। और सबसे पहले कैमरा के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सेटअप के बारे में बात करूं दोस्तों, वही सेटअप है जो एक X70 Pro में आया हुआ था, 50 MP प्लस 48 MP प्लस 12 MP प्लस 8 MP, 8 MP पेरिस्कोप है, 12 MP आपका टेलीफोटो है एंड 48 MP अल्ट्रा वाइड है एंड 50 MP का जो सेंसर है वो चेंज हुआ है अगर आप कंपेयर करते हो X70 Pro के साथ। तो अब सैमसंग का नया GMV 50 MP का सेंसर आ गया है। आगे की तरफ आपको 32 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है, बट दिस इज नॉट अबाउट मेगापिक्सल्स एट ऑल दोस्तों। जो पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह इस फोन में आई हुई है, आई विल से इट इज डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो बोल दूं, इसमें जो ग्लास इस्तेमाल हुई है वो जो आपके फ्लेयर्स वगैरह आते हैं वो कम करती है, सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कम होता है। और फोटोज मैं दिखाने वाला हूँ, इनफैक्ट जब मैं कैमरा के बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा रहा हूँ और ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फोटोज मैंने अपलोड किए हुए हैं जी ड्राइव पे, नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग कंडीशंस में ये जो कैमरा है कैसे फोटोज निकालता है। और एक बहुत बड़ा हाईलाइट है, आपको पता है कि X सीरीज में आपको गिम्बल या फिर जिम्बल जो भी कहो आप, वो स्टेबलाइजेशन मिलता है। जब आप पोर्ट्रेट शूट करोगे 12 MP सेंसर से, तो इट विल हैव अ जिम्बल स्टेबलाइजेशन, सो पोर्ट्रेट विद जिम्बल, ये पहली बार आया हुआ है। और दोस्तों इस टाइम Vivo X80 Pro में आपको V1 Plus एक चिपसेट मिलती है,
वेयर ऑल दिस मैजिक हैपेंस, जो एल्गोरिदम है पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह वो V1 प्लस पे होती है. व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट और जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ वो है फीचर्स. अब दोस्तों इसमें आपको अलग अलग स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे X70 Pro में भी मिलते थे, कुछ चार स्टाइल्स मिलते थे, लेकिन अब दोस्तों उन्होंने एक सिनेमैटिक मोड ऐड कर दिया है. एंड ये जो है ये 2.39:1 एनामॉर्फिक लेंस के साथ है, मतलब जो एस्पेक्ट रेशियो है दैट इज 2.39:1. अगर आप इस स्टाइल से फोटोज या वीडियोज निकालोगे, हाँ ये फोटो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है. यू नो यू विल गेट दोज हॉलीवुड लाइक वीडियोज. सीरियसली अगेन जाके देखिए, स्क्रीन पे तो दिखा रहा हूँ जो हमने शूट किए हुए हैं. हम हॉट एयर बलून में गए थे विद X80 Pro एंड शॉट सम वीडियोस एंड फोटोज, दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन के ऊपर. कैसे लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अब दोस्तों बोके के बारे में मुझे बात करनी है. ये शायद पहला ही फोन है जो ओवल शेप बोके देता है आपको. रियली जी हाँ, वो जो आप हाई एंड DSLR से जब क्लिक करते हो तो कैसे आते हैं, जो क्रीमी बोके आता है वैसे ही कुछ मिलता है. अगर पीछे लाइट्स होंगे दे विल टर्न इनटू ओवल. Lovely. और दोस्तों इसके कैमरा में और एक चीज है जो इफेक्टिव लगी. बहुत सारे फोन्स में AI होता है बट इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव. दिस वन इज वेरी इफेक्टिव. जी हाँ, ऑटोमेटिकली जो भी सीन होगा डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से सेटिंग्स करेगा. सो यू डोंट हैव टू डू, जस्ट पॉइंट एंड शूट. और ये सब जो होता है जैसे मैंने बताया V1 प्लस की वजह से. और एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, होराइजन लेवल स्टेबिलाईजेशन HLS. इसका मतलब कुछ एक्शन सीन आप शूट कर रहे हो एंड आपका जो कैमरा है वो हिल रहा है, फिर भी होराइजन HLS आपने ऑन किया तो इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली स्टिल एंड स्टेबल. दोस्तों आप प्रो मोड में शूट कर पाओगे, लॉग में शूट कर पाओगे, और जब लॉग में करते हो तो मूवी लट्स वगैरह अप्लाई कर पाओगे. जी हाँ, हम प्रीमियर प्रो में एडिट करते हैं एंड वी अप्लाई सम लट्स फॉर दैट कलर करेक्शन वगैरह, कलर अच्छे दिखने के लिए, अलग अलग मूड लाने के लिए मूवी लट्स इसके अंदर भी आता है. देन यू हैव टाइम लैप्स, स्लो मोशन भी फ्रॉम 20 FPS या 24 FPS टू 40 FPS आपको मिलता है. सो फीचर्स के मामले में प्रॉबली द बेस्ट कैमरा आउट देयर. चलिए कैमरा के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई, बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में. दोस्तों 6.78 इंच का 2K+ E5 AMOLED डिस्प्ले आता है. इट इज ऑब्वियसली अडैप्टिव, 1Hz से लेके 120Hz तक फास्ट रिफ्रेश रेट है इसके अंदर. एंड E5 की एक खासियत है, बेसिकली जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम होती है. और ये मैंने पहले भी फोन में देखा हुआ है, क्योंकि जनरली 8th Gen 1 जो चिपसेट इसके ऊपर है आपको स्क्रीन ऑन टाइम मॉडरेट यूसेज में कुछ 5-5.5 घंटा देती है. हमने इसके ऊपर टेस्ट किया, इट इज बियॉन्ड 6.5 आवर्स इवन विथ 4700 mAh बैटरी. सो जो ऑप्टिमाइजेशन है, पावर कंजम्पशन है, उस मामले में दिस वन स्टैंड्स आउट. वैसे फास्ट चार्जिंग दोस्तों बढ़ गई है, 80W का फास्ट चार्जिंग अब मिलता है. X70 में आपको 55W का चार्जिंग मिलता था. वैसे दोस्तों मल्टीमीडिया एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि डिस्प्ले इतना अच्छा है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा. स्टीरियो स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल मल्टीमीडिया के मामले में टॉप नॉच. वैसे अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ, 8th Gen 1 है दोस्तों, इट इज़ अ 5G प्रोसेसर. इसमें 15 बैंड्स का सपोर्ट है, नॉट 11, 15 बैंड्स का सपोर्ट है. UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, LPDDR5 रैम टाइप आती है. सो जो एक फ्लैगशिप में आपको चाहिए सब कुछ आपको इसके ऊपर मिलता है. और एक चीज, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है. रजिस्टर करने के लिए सिर्फ 1 tap एंड यू आर डन. एंड इट इज सुपर डुपर फास्ट, ब्लेजिंगली फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है इन डिस्प्ले. OS के मामले में बात करूं तो फंटच OS 12 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, और अप्रैल का सिक्योरिटी पैच आता है. और एक चीज, और ये मुझे अच्छा लगने लग गया, अभी ब्रांड कमिट करते हैं. इन्होंने वीवो ने कमिट किया है कि 3 साल के मेजर अपडेट्स देंगे एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाले हैं. सो या दैट इज दैट. और हाँ, फ्लैगशिप का और एक फीचर आता है दोस्तों, IP68 सर्टिफिकेशन है. एंड बाकी छोटे सब फीचर्स जो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में चाहिए सभी आपको मिलते हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी प्राइस क्या आती है. मेरे हिसाब से दोस्तों इफ दिस फोन कम्स अंडर 70,000 rupees, 70,000 के नीचे आता है, वाओ, आई विल से दिस वन इज ग्रेट, एस्पेशली कैमरा, डिस्प्ले एंड इवन परफॉर्मेंस एंड इवन बैटरी परफॉर्मेंस, मतलब सभी मामले में मेरे हिसाब से दिस वन इज रियली गुड. ऑल डिपेंड्स 70,000 के नीचे या ऊपर. आपको क्या लगता है क्या प्राइस आने वाली है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वैसे दोस्तों इसी लॉन्च इवेंट में Vivo X80 Pro के साथ Vivo X80 भी आया हुआ है, जो Dimensity 9000 है. सभी के डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. वैसे दोस्तों आई अर्ज यू, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और G Drive पे जो हमने वीडियोज और फोटोज अपलोड किए जरूर जाके देखिए ओरिजिनल क्वालिटी में, फिर पता चलेगा इसका कैमरा कितना अच्छा है. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ. एंड हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, दुबई से किया हुआ है, लाइक जरूर कीजिएगा.